हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजी क्लास में। फ्रेंड्स, बहुत लंबा इंतज़ार के बाद पंचायती राज विभाग का फ्रेंड्स यहां पर अपडेट आया है चुनाव को लेकर के। फ्रेंड्स, इसकी जो बहाली को लेकर के सारी प्रक्रिया बंद थी, अब जो है फ्रेंड्स आज गिनती फाइनल है और आपका जैसे ही आचार संहिता लागू जो हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से फ्रेंड्स सब कुछ फिर से चालू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग में आप धीरे धीरे जो है विभाग से सूचना आना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पंचायती राज विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना, जो कि आज का है 23/5/19 का। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा कमेंट कर रहे थे, कोई अपडेट हो, सूचना हो तो ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जो भी लेखापाल और तकनीकी सहायक के लिए फॉर्म भरे थे वो जरूर वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और नियोजन को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी सूचना आई है जो कि जल्द होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में दबाइए घंटे के बटन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं हम फुल अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा पेपर कटिंग जो कि हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। ये जो फ्रेंड्स दिखा रहे हैं तकनीकी सहायक वो लेखापाल के 101 से 100 पदों पर बहाली और संस्थानों को सत्यापन के लिए भेजे गए हैं कागजात, और सत्यापन के बाद ही शुरू होगा नियोजन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो है इसके बहाली बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि सत्यापन के लिए जा चुका है आप लोगों का, और जो है आपका आचार संहिता भी ख़त्म होने वाला है। जैसे ही सरकार बन जाएगी आचार संहिता ख़त्म हो जाएगा और जो है नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका फुल अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आई है ये आई है आपका मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आती है वहीं से। और इस तरह जिसे जो जो जिलों का अभी तक नहीं आया है वो धीरे धीरे आप आना शुरू हो जाएगा। ये आपका मोतिहारी का है, जिला पंचायत राज विभाग के तहत पंचायतों में तकनीकी सहायक वो लेखापाल के पद पर होने वाले नियोजन की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद शुरू होगी। इसके बाद विभागीय स्तर पर जो है कवायद शुरू कर दी गई है इसके लिए, और तकनीकी सहायक व लेखापाल के क्रम से 101 और 101 पदों पर नियोजन के लिए अंतर्वीक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, यानी इंटरव्यू के बाद, आपको जो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित संस्थानों को भेजा भी चला गया है, और उन संस्थानों से सत्यापन के बाद रिपोर्ट आने पर इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही संस्थानों से रिपोर्ट आ जाएगा और जो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इस माह के अंत तक नियोजन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, यानी मई के लास्ट तक जो है नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वहीं जो है जिला स्थापना से 371 पदों पर कार्यपालक सहायकों का नियोजन किया जाना है। और फ्रेंड्स, ये जो जिला वाइज आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यपालक सहायक का जो भर्ती चल रही है, उसका भी जो है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का 371 पदों पर नियोजन जो प्रक्रिया वो शुरू होना है। अभ्यर्थियों की अंतरिक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इस माह में इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। और जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो है शहादत हुसैन ने इसकी जानकारी दी है, और उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के कागजात को संबंधित संस्थानों को सत्यापन के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस माह में इस कार्य शुरू होने की उम्मीद है, और उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कागजात नहीं जमा कराया गया है, यदि वे सत्यापन कराने के पीछे हट रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि उसके कागजात फर्जी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका लेखापाल और तकनीकी सहायक जो कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी का यहाँ पर विभाग की तरफ से यहाँ पर बड़ा अपडेट आया है कि इसी माह के अंत तक जो है आपका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और जून तक में जो है आपका नियोजन भी हो जाएगा, और इसमें जो है कार्यपालक सहायक का भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड्स जैसे ही कोई आता है अपडेट तो फ्रेंड्स मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।